वहीं पूर्व रतलाम शहर के तेजानगर में सांड के उत्पात से लोग गंभीर घायल हो गए थे। उसमें से राजेश गुगलिया नामक व्यक्ति की जान चली गई। युवक घर का इकलौता कमाने वाला चिराग था। निगम की लापरवाही से आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रखकर संत रविदास चौराहे पर चक्का जाम किया। करीब दो घंटे तक नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। गुस्साए लोगों की मांग थी कि दोषियों पर कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। मौके पर शहर SDM, निगम आयुक्त, CSP, तहसीलदार समेत नगर के कई कर्मचारी पहुंचे। इस बीच भरण पोषण की मांग कर रहे परिवारजन मौके पर पहुंचे। शहर SDM अनिल कुमार भाना को खरी खोटी सुनाते हुए खुद पर बीतने पर पता चलने की बात कहने लगे, जिससे वे गर्म हो गए और माहौल गर्मा गया और जनता पहले से ज्यादा आक्रोशित हो गई और महिलाओं ने जिम्मेदारों को चूड़िया तक दिखा डाली। आपको बता दें कि रतलाम में आवारा पशुओं के आतंक से 4 महीने में यह दूसरी मौत है। आक्रोशित लोगों ने नगर निगम में पशु वाहन के कर्मचारी पर आवारा पशुओं के मालिकों से सांठगांठ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि मवेशियों को पकड़ने के लिए वाहन निकलते हैं और इनकी सूचना पहले ही पशुपालकों तक पहुंच जाती है, जिससे वे अपने पशुओं को गायब कर देते हैं। इसके चलते सड़कों पर आवारा मवेशी बेखौफ घूमते रहते हैं, जिससे ऐसे हादसों का सिलसिला जारी है। मामले में नगर निगम कमिश्नर ने कहा, व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसका सभी को दुख है। आज से नगर निगम अनाउंसमेंट शुरू करेगा, किसी का भी पशु बाहर पाया जाएगा तो उसे पकड़ा जाएगा और पशु मालिक के खिलाफ FIR की कार्रवाई भी की जाएगी। जनता की मांग है कि नगर के अंदर जो अवैध तबेले हैं उनको हटाया जाए, तो 3 दिन का समय हमने उनसे मांगा है। 3 दिन के अंदर जितने भी अवैधानिक तबेले हैं उनको सूचित कर दिया जाएगा। आज ही अपनी गायों को तबेले के अंदर रखें, अगर तबेले से बाहर निकली तो तबेला तोड़ दिया जाएगा। और शासन की तरफ से 1.5 लाख रुपये का मुआवजा मृतक परिवार को दिया जाएगा और 50,000 रुपये मेरे निजी फंड से दिया जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे लोगों की शिकायत थी कि निगम कर्मचारी ही गायों के जो पाल पशुपालक हैं उनको फ़ोन कर देते हैं, जिससे कि आवारा पशु यथावत स्थिति बनती है और लोग पकड़ते नहीं हैं। इसके लिए कुछ अभी भी गायें तो हमने गायों को पकड़ने के लिए पहली बार नगर निगम ने अपनी गौशाला खुद तैयार की है। अभी आप जाके देख सकते हैं, सागौत के अंदर 200 गाय हमने बंद कर रखी है, अब वहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन अब ये कार्रवाई जो आज हुई है, ये निश्चित आप मानिए कि 3 दिन के अंदर जो गोपालक यहाँ पर हैं उनको आज ही नोटिस दे दिया जाएगा कि अपनी गाय तबेले के अंदर रखें। जिनकी गाय भी तबेले के बाहर दिखेगी उस तबेले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर कुछ जारी होगा व्हाट्सएप पे की सूचना दे सके, फोटो डाल देंगे गाय जनता अगर व्हाट्सएप दे देंगे सर, ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर जारी कर दीजिए। हम व्हाट्सएप करेंगे सर, फोटो खींच के जगह पे बैठी है स्वच्छता के लिए एक नंबर हम नवरात्रि में जारी करेंगे, उसमें आप फोन कर। ज्यादा जरूरी है सर, शिक्षा के लिए जो सुबह बच्चे जाते हैं ना उनको बड़ी दिक्कत होती है, गली में परेशान है, बच्चे जाए कीचड़ फेंके। नगर के अंदर अवैधानिक तबेले बने हुए हैं उनको नोटिस दिया जाए कि वो अपने गायों को तबेले के अंदर रखें। हमने भी आज निर्णय लिया है कि 3 दिन के अंदर इनको नोटिस दे दिया जाएगा। नोटिस में स्पष्ट लाइन रहेगी कि आप अपने गायों को अपने तबेलों में ही रखें, अगर आपके गाय तबेले से बाहर दिखेंगे तो तबेले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मृतक परिवार को 1.5 लाख रुपये शासन की मांग हो जाएगी, 50,000 रुपये मेरी तरफ से। राज लुनिया की रिपोर्ट।